और आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं, मैं पूरी कौम से मुखातिब हूं, मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूं, मैं पाकिस्तान के इदारों से मुखातिब हूं, मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं। कल इसने कहा कि लॉन्ग मार्च में मेरे साथ अफवाज पाकिस्तान के खानदान भी जाएंगे। ओ भाई, ये फौज सबकी फौज है, इसमें सरगोधा के शहीद भी हैं। मैं उन शहीदों की माओ को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं और उन शहीदों की माओ को भी सलाम पेश करता हूं। लेकिन इमरान नियाजी को बताना चाहता हूं और इदारों को बताना चाहता हूं कि यह शख्स न आईन को मानता है, न कानून को मानता है, अदालती फैसलों का मजाक उड़ाता है, इदारों को ललकारता है। यूरोपीय यूनियन, जिससे अरबों रुपए की हमारी तजारत है, उनको नाराज करता है। चाइना को करप्शन का ताना देता नाराज करता है। अमेरिका एक सुपर पावर है, उससे हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, इज्जत वाले ताल्लुकात चाहते हैं। ये सियासत नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के बीज बो रहा है। इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम को जागना होगा। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इससे पूछना चाहिए कि इमरान नियाजी चार सालों में, सरगोधा के नौजवानों मेरे सवाल का जवाब दो, अपने दिल पे हाथ रखे, चार सालों में एक मंसूबा गिना दो, एक ऐसा मंसूबा बता दो जो इमरान नियाजी ने आपको दिया और चार सालों में बताओ। तो इसलिए मैं बड़ी आजिज से आपसे कहता हूं कि तुम इनकलाब का नारा लगाते हो, पाकिस्तान को तुमने बदहाल कर दिया। ओ इमरान नियाजी, किसको धमकी देते हो? और तू धमकियां ना दे, तेरे पल्ले की है। इंशाल्लाह तोशा खाने की चोरी का हिसाब तुम्हें देना होगा, फॉरेन फंडिंग में तुमने डाके मारे, तुम्हें हिसाब देना होगा। और जो तुम्हारी अना का पहाड़ बनी गाला है ना, वहां से उतार कर खींच कर अवामी अदालत में तुम्हें पेश करेंगे इंशाल्लाह।